नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। विद्युत उपभोक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिए कई बड़े फैसले। उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के व्यावसायिक कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल मई एवं जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज भुगतान को जून 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्थगन अवधि के पश्चात प्रभार की राशि को समान मासिक किस्तों में आगामी 6 माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर हो रही राज्यों की अनुमति के बाद जारी हो पास। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंतरराज्यीय पास जारी करने के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। सिंहदेव के मुताबिक कई राज्य बिना जानकारी के पास जारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि दोनों राज्यों की अनुमति के बाद ही पास जारी होना चाहिए। एमएनसी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक, 13 की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने की वजह से बच्चे समेत 13 लोगों की जानें चली गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा, विशाखापट्टनम की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय और एनडीएम अधिकारियों से बात की है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। योगी सरकार ने दी श्रम अधिनियम में 3 साल की छूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं उन्हें खोलने के लिए यह छूट दी गई है, ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। सीएम योगी का आदेश, 1 हफ्ते में पूरी हो 6,09,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में 1 सप्ताह के भीतर 59,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। सीएम जगमोहन विशाखापट्टनम जाकर प्रभावितों का जानेंगे हाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए हैं। वह किंग जॉर्ज अस्पताल भी जाएंगे, जहां जहरीली गैस के प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है। सानिया ने कहा, मैं अपने खेल और माँ होने की जिम्मेदारी दोनों को संभाल सकती हूँ। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा कि वे अपने खेल और माँ होने की जिम्मेदारी दोनों को संभाल सकती है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा ने यह बात एक वेबिनार में कही। सुहाना खान दोस्त के साथ मस्ती करती आई नजर। सुहाना खान एक फोटो में अपनी दोस्त के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही है। फोटो में किंग खान की बेटी का अंदाज और स्टाइल भी देखने लायक है। वाइट टॉप और ग्रे ट्राउजर में सुहाना खान का लुक भी जबरदस्त लग रहा है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।